जनता जवाब चाहती है उसका नाम गब्बर का ढाबा क्यों रखा गया। हाँ हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम टू ऑल इंडिया बुकर्ड। सो अराउंड 2-2.5 महीने के बाद आज ब्लॉग कर रहे हैं हम और अपने बिल में से बाहर निकल ही आए। आज हम बड़े स्पेशल लोगों के साथ हैं और बड़ी स्पेशल जगह पे जा रहे हैं। तो हमारे मीट मैंगो कपल और साथ में हमारे मैंगो भी है, बट अभी वो सोई हुई है तो उसको उठा देंगे जब तक हम पहुंचेंगे वहां पे। आज हम कहां जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं गब्बर। तो गब्बर बेसिकली क्या सीन है, थोड़ा बताओगे अमन भाई? भैया सीन कुछ नहीं है, सीन ये है कि सुना तो बहुत कुछ हुआ है कि गब्बर सिंह का ढाबा जाके पता लगाते हैं कि सच में गब्बर वाला कुछ फील आता है या नहीं आता वहां पे। सो बेसिकली इट्स अ गब्बर बेस्ड थीम। शोले में जो गब्बर था उसके ऊपर थोड़ा काइंड ऑफ रेस्टोरेंट है ये। अभी हमने सोच रहे हैं मतलब वहां जाके क्या मिलेगा हमें नहीं पता। हाँ, और वो वी नेवर नो कि क्या मिलेगा। और हाँ ये बता देता हूँ, मैंने जोमेटो से एक बार ऑर्डर करा है, फूड वॉज रियली गुड, बट अभी आज जाके देखते हैं, ट्राई करते हैं, क्योंकि अगर गब्बर है थोड़ा अच्छा रेस्टोरेंट का एम्बियंस एंड ऑल अच्छा होगा। सो लेट्स गो ट्राई करते हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हंग्री विद ऑल इंडिया बुकर्ड। गब्बर ढाबा इज लोकेटेड इन हाजीपुर विच इज इन सेक्टर 104 नोएडा। सो अगर हम इस ढाबे की बात करें, ये गब्बर थीम पे बेस्ड है, रेफरेंस फ्रॉम शोले। इट इज अ फाइन डाइनिंग ढाबा कम रेस्टोरेंट जो कि आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है ड्यू टू इट्स यूनिक कॉन्सेप्ट एंड अमेजिंग टेस्ट। आपको यहाँ पे वेज नॉन वेज में काफ़ी सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी। दे हैव ग्रेट वैरायटी अवेलेबल इन स्टार्टर्स, मेन कोर्स, और यहाँ पे आप यूनिक कॉम्बोज भी ऑर्डर कर सकते हो। सो पनीर लबाबदार वॉज नाइस, बट इसमें बटर एंड क्रीम थोड़ा ओवर पावर कर रहा था जिसकी वजह से स्पाइसेस के फ्लेवर बहुत कम आ रहे थे। सो इंस्टेड ऑफ दैट थोड़े स्पाइसेस ज़्यादा हो सकते थे। मिक्स वेज वॉज लुकिंग बेटर एज कम्पेयर टू पनीर लबाबदार एंड इट वॉज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंटिंग गार्लिक नान। सो इसके कारण वो हमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा। सो हम लोग खा के इवन घर पहुँच चुके हैं और आर्या ने तो नींद की भी 2 दिन छुट्टी लगा ली हैं। सबसे पहले जस्ट बिफोर आई गो टू रिव्यूज, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू आवर चैनल। सून वी आर गोइंग टू डू सम चेंजेस इन चैनल बिकॉज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड कि सिर्फ फूड पे ही हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते। सो आई विल मे बी चेंज द नेम ऑफ चैनल गोइंग फॉरवर्ड और उसमें और भी ब्लॉग्स मैं इंट्रोड्यूस करूंगा और भी चीजें जो है मैं कवर करूंगा। सो अभी चलते हैं अमन भाई से पूछते हैं कि आपको खाना कैसा लगा। हमको खाना अच्छा लगा, बट जैसा कि गब्बर का ढाबा था तो भैया गब्बर वाली कोई चीजें नहीं थी वहां पे। अरे अरे रुको रुको, हाँ तो गब्बर वाली कोई चीजें थी, आर्या के एक्सप्रेशन से समझ भी गए होंगे कि आर्या सोच रही थी कि भैया वहां पे गब्बर थीम मिलेगी, तो गब्बर थीम नहीं है, बट खाना नो डाउट टेस्टी है। नहीं हमारा मतलब पूरे उसमें यही था कि जब दिमाग में चल रहा था बहुत दिन से 104 में गब्बर का ढाबा है, वहां जाएंगे तो बस वही दिमाग में था कि जैसे थीम मिलेगी गब्बर अंदर कुछ मतलब बहुत मिलेगा जैसे। लेकिन जैसे ही अंदर गए, पहली बात तो जैसे जो बैठने वाला सिस्टम है बाहर कूलर लगे हुए हैं तो वो भी अभी गर्मी बहुत ज्यादा है तो वो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। अंदर जहाँ पे एसी लगा हुआ है वहाँ पे मतलब 6-8 पीपल बैठ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, तो वो भी जैसे अगर हम अंदर 6 लोग थे तो थोड़ा बाद में जैसे आपस में बात करते हैं तो कंजस्टेड सा लगने लग गया था, तो वो चीज भी मतलब मुझे ठीक नहीं लगी जैसे। तो मैंने उनसे पूछा भी था कि सिर्फ इतने स्पेस में क्यों है एसी, तो उन्होंने कहा अगले सीजन तक लगवा लेंगे जब बढ़िया कमाई हो जाएगी। और दूसरा गब्बर वाला जब उनसे पूछा गया तो जो बाहर अंकल खड़े हैं गब्बर की मूंछों वाले जैसे, बस उसी की वजह से गब्बर का नाम है। मतलब अगर वो अंकल चले गए तो क्या उसका नाम चेंज कर देंगे वो? एग्जैक्टली। और कोई नहीं लगी, हाँ कोई अपना टाइम निकाल के आ रहा तो आपका वॉचमैन देखने थोड़ी आ रहा है कि आपका वॉचमैन गब्बर जैसे लग रहा है। थोड़ा मतलब गब्बर वाली जो थीम थी दे कुड हैव इवॉल्व दैट। So, जैसे गब्बर चारपाई पे बैठता था उनको चारपाई वाला आइडिया मुझे लगता है चेयर्स की बजाय उनको चारपाई लगानी चाहिए थी।
या थोड़ा आई थिंक ज्यादा इनका बेनिफिशियल होता. एग्जैक्टली. सो आई फेल्ट द सेम कि गब्बर थीम जो थी दैट वाज क्वाइट मिसिंग. गब्बर के स्टाइल में अगर बात करें तो कितनी सब्जियां थी, तो सब्जियां थी दो, मिक्स वेज और पनीर, और दोनों ही सब्जियां लाइक फूड वाज रियली गुड, बट वो थी एम्बियंसी नहीं बनी तो मजा नहीं आया हमें इतना. फूड तो हम यार खाना ही था तो हम जोमेटो पे मंगा के भी खा लेते घर पे, बट वो थीम वाला मजा नहीं आया. सो आई विश कि अगर ये लोग वीडियो देख रहे हैं तो दे कुड हैव इवॉल्व देमसेल्फ, दे विल थिंक अबाउट दिस एंड गोइंग फॉरवर्ड वो कुछ चेंजेस करेंगे जो उनके लिए हेल्पफुल रहे, क्योंकि एक बंदा जाता है अगर इनके रेस्टोरेंट में तो कुछ एक्सपेक्टेशन लेके जाता है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एक्सपेक्टेशन जो है फुलफिल हो. तो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. जनता जवाब चाहती है उसका नाम गब्बर का ढाबा क्यों रखा गया. हाँ, जनता जवाब चाहती है भाई, सिर्फ नाम यूज करके वॉचमैन से प्यार हो गया था इसलिए. ऑल राइट गाइस, जस्ट किडिंग. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हंग्री विद ऑल इंडिया. Good night.